शहबर नाल सत्कार कर रहे सन। सत्कारयोग भाई साहब भाई गुरदेव सिंह जी मुबारकपुर वाले ते उन्हां दा रागी जथा बहुत बहुत धन्यवाद। NRI वेलफेयर सुसायटी बाबा बस्याला सत्कारयोग सरदार मक्खन सिंह जी बस्याला अते होर साडे जिहड़े वीर NRI वीर विदेशां बैठे हैं भाई साहब उन्होंने पावन बाणी विचों वीर रस दे उन्हां शब्दां दे नाल आप जी नूं निहाल कीता है। जिहड़े सतगुरु पातशाह जी सानू जीवन दे हरेक पहलू दे क्योंकि अज आपां उन्हां महान शहीदां दी याद विच जुड़े बैठे हां दिल जी दी पावन प्रकाश दिहाड़ा भी आपको मनाया जा रहा है। जी पावन बाणी श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच दर्ज है गुरु साहिब भाई साहब जी ने मन न डिगै तन पाहे को डराए चरण कमल सुचित रहे समाए। क्योंकि मन की ही प्रेरणा है ये मन शक्ति ये मन सियो ये मन पंच तत्व को जियो मन को जो सुन गए मन भी समझाना है यही परमेश्वर का रूप बन जाता है जदों बाणी नाल जुड़ के बाणी अनुसार अपने कमाई करके जीवन को बना लैंदा है। तो ऐसे पावन शब्दा दे आप जी नूं मनोरथ द्वारा निहाल किया मैं एक बार फिर गुरुद्वारा साहब प्रबंधक कमेटी वालों सुसायटी वालों बहुत बहुत भाई साहब धन्यवाद करता हाँ। बेनती है कि भाई साहब जी सम्मान चिन्ह के नाल सम्मानित करना है। मैं भाई साहब भाई गुरदेव सिंह जी बेनती करांगा सुधार भाई साहब मक्खन सिंह जी और मुख्तार सिंह जी बस्याला पासों सम्मान चिन्ह प्राप्त कर। गुरु साहिब साध संगत जी बोले सोनिया बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब भाई गुरदेव सिंह जी का लग जाते जिते तरदाल की आवाज पुजती है गुरु साहिब आप बुनियादी काम तो रोज करते हैं लंगर पानी भी छकते हैं पर ऐसे सुहावे मौके जो जो सुने जो जो कथा सुने हर कीर्तन ताकि दुर्मत नास सकल मनोरथ पावे नानक पूरन हो प्यास। जो जो कथा सुने हर कीर्तन हरि जस गायन गुरु इतिहास उस पातशाह पावन उपदेश सुन के जीवन दे विच सच्चे पातशाह आनंद प्रसाद हुंदे ने बरकत आ जाती है। जिन्हें खुशियां असं लगते हाँ वो खुशियां गुरु पातशाह जी सुधे सिर की सू बख्शिश करते हैं सारिया आसां पूरिया हो जाए। हम भाई साहब जी ने कीर्तन द्वारा आप निहाल किया तन सो राग सुरंगड़े आलाप सुनते ने कीर्तन करते ने वो धनता के योग हो जाते हैं ऐसी वडियाई गुरु पातशाह जी सू बख्शते हैं। मैं बहुत पसंद पंथ के महान प्रचार भाई साहब जी सी लुधियाना वाले जिहड़े के देशों विदेशों में आम तुसी सुनते होंगे कथा द्वारा गुरबाणी विचार द्वारा संगतों को निहाल करते हैं सुभाग समा प्राप्त होया अज नगर बस्याला भी सतगुरु जी पावन स्थान श्री बाबा बुद्ध सिंह जी गुरद्वारा साहब विखे सतगुरी पावन हजूरी में सजे बैठे हैं आप जी दोनों विचार से आज निहाल करेंगे। उसको पहला मैं जरूर आप जी बेनती करना चाहूँगा कि अज के इस समागम का रंग जो रस है वो सुन रहे हैं देख रहे हैं देशों विदेशों च भी भाई हरजिंदर सिंह जी न्यूजीलैंड वाले जो कि सोशल मीडिया राही अज के समागम के नाल भी जुड़े बैठे हैं न्यूजीलैंड में उन्होंने वालों अरदास सवेरे ही अच्छ
बहुत करके सन्यास संदेश आया सी अज दे इस समागम दीआं बधाईआं मुबारकबाद दिंदे होए इलाका ते पसाल नगर साध संगत नूं ते दास नूं उन्हां ने हुकम कीता कि मेरी वल्लों संदेश मैं एक गुस्ताखी कर रहा कि दो मिनट मैं आप जी नाल जरूर भाई साहब जी तो माफी मंगांगा कि यह संदेश मैं आप जी नूं सरवण करा दिया जिहड़ा भाई साहब हरजिंदर सिंह जी न्यूजीलैंड तों दे रहे ने क्योंकि अज दा जो समागम है उस विच उन्होंने जिहड़े गुरद्वारा साहब की सेवा विच अबारा पार्क देख रहे हो ग्राउंड देख रहे हो गुरद्वारा साहब की हो रही फुलवाड़ी लाइटां दा जां इत्थे वध तों वध सहयोग प्रबंध चल सके इस नगर दे नौजवान जो बड़ा अमुला योगदान पा रहे ने अज वो मापे वो परिवार वो नगर धनता दे योग है जिथे दे नौजवान समाज भलाई दे कम्मां दे विच रुझे ने ते अज जिहड़ी एक लहर चल रही है जिहदे बड़ा मां बाप भी समाज भी साडे बजुर्ग आगू सारे चिंतित ने कि नौजवानों नूं किवें संभालिया जावे कि सतगुरु पातशाह जी पावन बख्शिश है इस नगर दे नौजवानों ने स्थान तो प्रेरणा लैके गुरबाणी तो प्रेरणा लैके एनआरआई वेलफेयर सोसायटी तो प्रेरणा लैके ये उपरला किया कि आप जी बार पार देख रहे नौजवानों की सेवा सदका ही संभव हो सकता है। तो भाई साहब हरजिंदर सिंह जी ने जो न्यूजीलैंड को सुनेहा भेजा है इन्हों नौजवानों की वडियाई में आप संत मुखातब होंगे हुए अज के इस पावन समागम ने मैं आप जी वो सरवण करना चाहागा गुरद्वारा श्री बाबा बुद्ध सिंह विखे जुगो जुग अटल साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी में गुरबाणी पाठ कीर्तन कथा सरवण राही समूह संगत जी मेरे अते मेरे परिवार वालों सत्कार सहित वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। गुरु सारियो उन्होंने फतेह बुलाई गई है आप चढ़ती कला में फतेह का जवाब देिए वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। पिंड बसियाला नाल संबंध रखने वाले हर प्रवासी की इस स्थान उत्ते अथाह श्रद्धा है। इस स्थान तो हजारों लखां लोगों ने आत्मक संतुष्टि प्राप्त की है। मैं भी इस स्थान से कई साल सवेरे शाम पाठ करने की सेवा करता रहा हाँ 1988 तो लैके 1993 तक 1993 तो 2007 तक मैं जलंधर अजीत अखबार में एक जिम्मेवार सी प्री प्रेस मैनेजर कम ऑनरी एडिटर उत्ते काम किया अते फिर 2007 दे विच परिवार समेत न्यूजीलैंड चला गया। इस स्थान तो अज भी लगातार एक एनर्जी मैनू मिलती है अज जो कुछ भी हाँ इस स्थान करके हाँ गुरु साहब की पावन बख्शिश करके हाँ नगर निवासियों को इस गल का माण है कि पिंड बसियाला के दो सिख जरनैल बाबा बुद्ध सिंह जी और बाबा दसौंधा सिंह जी जिन्हों बारे पोस्टर के संकेत इतिहास लिखा गया है शहीदी गुरु मना रहे हैं। सरदार मक्खन सिंह जी बसियाला जिहड़े कि अमरीका रहिंदे हन पिंड वासियों के सहयोग मास्टर गुरचरण सिंह जी सरदार मुख्तार सिंह जी सरदार जसवंत सिंह जी प्रधान जी और सहयोग नाल यह समागम गुरजीत सिंह जी के सहयोग नाल यह समागम करवा रहे हैं। उन्होंने इस गल की बहुत बहुत बधाई होवे। गुरद्वारा साहब के कंपलैक्स में बनाई गई फुलों की पार्क संगतां दे दा दिल बागो बाग करती है। इस कार्य दे विच अपना योगदान पाउण वाले सारे मुंडियां ते सहयोगियां नूं मुबारकबाद उन्हां दी मेहनत नूं सलाम। जिवें सुगंधा वणदे सुंदर फुल इस सुतां ते खिड़े हन वाहिगुरू अग्गे अरदास करदा हां कि मेरे पिंड दे हर जी दे दिल विच प्यार सत्कार एकता निकर सोच सहनशीलता सद्भावना जुड़न दा टाकरा करन शक्ति सद्भावना दा रास्ता बाग बूटा बूटे इसी तरह खिलते रहन। सरदार मक्खन सिंह जी वालों दित्तियां शील्डां अते मेरे वालों दिते एप्रीशिएशन सर्टिफिकेट तुहाडी हौसला अफजाई विच किनका मारना साडा फर्ज है आस है तुसीं प्रवान करोगे। गुरद्वारा साहिब दी हदूद अंदर पहलां प्राइमरी स्कूल शुरू होया सी उदों मैं शायद सत्तवीं अठवीं विच कीती है। मैनूं माण है कि इह स्कूल बाद तरक्की करके BA तक हो गया है अते सफलतापूर्वक चल रिहा है। इस स्कूल दा पुराना विद्यार्थी हुण दा मैनूं माण है। आ सारे कत्तर बच्चों को मैं एको गल कहना चाहता हाँ विद्यार्थियों तुहाडे संबंध में उन्होंने सुनेहा दिता है चाहता हाँ कि दुनिया बहुत वड्डी है अते जिंदगी बहुत छोटी जिन्ना भी फ्री समा मिलता है चंगी गल्लां सीखने की कोशिश करो
अपने मापिया अध्यापकों अते धर्म का बराबर सत्कार दो, पतित होने तो बचो, नशा तो बचो, जिंदगी विच अजिहे कार्य आरंभ करो जिहड़े लगदे हन कि तुसीं नहीं कर सकते, कोशिश करते रहो, एक दिन उसे काम दे तुसीं मास्टर बन सकते हो। तुहाडी पढ़ाई दे विच अव्वल आउण लई स्कूल का सारा स्टाफ चाहे कोई पुराना सी और मौजूद है, सब बधाई दे हकदार हन। भावें विद्यार्थी अते अध्यापक दा आपसी प्यार इस कदर बनाए कि तुसीं दुनिया के किसी भी हिस्से में जदों कामयाबी के झंडे गढ़ते हो तो झंडे का आधार तुहाडे पक्ष अध्यापक की सिखाई सिक्ख्या उत्ते खड़ता है। सो बस थोड़ा जी जिहड़ा अगे उन्हां सुनेहा कह रहा हो ज्यादा समा लैंदा होया, आप सब नूं मैं अपने अखबार पंजाबी है जो कि न्यूजीलैंड का पहला रोजाना अपडेट होने वाला पंजाबी अखबार है वालों तुहाडियां प्राप्तियां उत्ते लख लख बधाई दिंदा। आस करदा कि तुसीं अपना अपने परिवार का अपने वडेरियां का ते पिंड बसियाला का नाम पूरी दुनिया के विच रोशन करोगे। मेरा नंबर चाहिदा होवे ते सराब बकर सिंह जी बसियाला मेरे ब्रदर गुरजीत सिंह जी दे कोलों फिर गूगल पर टाइप करके प्राप्त कर सकते हो। आशीर्वाद दिओ, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तुहाडा अपना हरजिंदर सिंह बसियाला। तो ये वीर ने जिहड़े विदेशां च बैठे अपनी मात भूमि नूं अपने पाव अपने नगर नूं इस पावन स्थान की याद अपने हिरदे समोए बैठे ने ते सत्कार वजों उपराले करते रहते हैं। उन्हां वल्लों उन्हां दी प्रेरणा नाल दास वी NRIW सोसायटी का मैंबर है भाई साहब भाई मुख्तार सिंह जी, गुरजीत सिंह जी कीता, इस तरह होर भी हुणे मैनूं भाई मक्खन सिंह जी ने एक होर सुनेहा दिता जिहड़ा कि आपां सांझा करके मैं तुहानूं अज झुकवांगा कि आने वाले 18 तरीक नवंबर जो अगले साल 2016 में है 18 तो लैके 20 तक 18 को शुक्रवार अखंड पाठ इसे संबंध में रखे जाएंगे, 20 को ऐतवार के भोग पैणगे। जो ये एक लड़ी शुरू की है नगर के गुरमत नाल गुरमत प्रचार के रूप में गुरमत नाल जुड़ के बाणी अपने जीवन का आधार बना के अपने जीवन में सफल करने वास्ते कौम की चढ़ती कला वास्ते ये देश विदेशों बैठे जो मेरे NRI वीर इन्हों का एक अंदर बहुत प्रचंड भावना है कि साडा जो पंजाब है साडी सिक्खी है कौम है ये चढ़ती कला जाए। नौजवान जिहड़े है वह गुरमत नाल गुरसिखी नाल जुड़ के अपने जीवन के तरसान के नगर के इलाके का कौम का नाम ऊंचा कर। इन्हों वालों एक भाई साहब मनजीत सिंह जी जिहड़े सपुत्र सरदार साधु सिंह जी बाहर बैठे हैं अमेरिका च उन्हों वालों भी योगदान पाने का एक सुनेहा भाई साहब मक्खन सिंह जी बसियाला जी को आया है। दास हुक्म किया है कि मैं संगत के रूबरू गल करके आप जी मैं दस दिया कि आने वाले अगले साल के नवंबर महीने की 18 दिन इस तरह ही होर वड्डी पद्धर से ये प्रोग्राम होंगे। तो बेनती है कि जो भी NRI वीर नगर के भी जो भी इस पावन उपराले में उद्यम के अपना योगदान पाना जान तो जरूर पाइए ताकि आप तो वह कौम की सेवा अपना हिस्सा पा के सतगुरु चरणों में प्रवान हो सकी। इन्हें शब्दों के मैं खिमा जा सकता मैं बेनती करना सरकार भाई साहब भाई सरजीत सिंह जी को समय ज़्यादा लै गया तो आप बेनती है कि आप एक घंटे वास्ते आप जी गुरबाणी की कथा विचार सिख इतिहास का निहाल करेंगे। सत्कार योग भाई साहब भाई सरबजीत सिंह जी लुधियाना वाले वैसे नगर पिछों पहाटा खुरदा है। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। जिस प्यारे सोने तिस आगे मर चलिए त्रिग जीवन संसार ताके पाछे संसार ताके पाछे दया सिंध कृपा निध धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की
पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठे सर्वत्र माए भाई बहुत वड्या भागां वाले हो जो महान शहीद बाबा बुद्ध सिंह जी के पावन पवित्र स्थान ते सलाना इन्हां गुरमत समागमां विच हाजरियां करके अपने जीवन दियां अमोलक घड़ियां नूं सफल करन दा सफल यतन कर रहे हो। सजे हुए दिवाना दे चंद्रत गुरबाणी दे शब्द कीर्तन उपरंत कुछ कीमती विचारां सत्कार जो मास्टर गुरचरण सिंह जी आप दियां नाल सांझियां कर रहे सन इन्हां दा वीरां दा सुनेहा भी तुहाडे नाल गुफ्तगू हो रही सी। आओ कुछ क मिनटों वास्ते गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के चरणों में मन चित एकाग्र करके गुरमत विचारां नाल सांझ बनाईए। कथा एहो जिहा कंसैप्ट है जिस विच रंजक मात्र भी डिस्टर्बेंस जिहड़ी है वह सानू विचार तो बहुत दूर लेके जा सकती। कोई भी अधूरी चीज संसार विच सुख नहीं दिंदी और एक गल सच है अधूरी विचार जीवन में तब्दीली नहीं लिया सकेगी। आप गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के चरणों में अरदास करनी सतगुरु जी जिस तरह तुसी सानू कहते हो उस तरह तन दे नाल साडा मन कर सके वो बख्शिश करो। गुरु का हुक्म की है सब के लिए प्रभु की उस्तत करो संत मीत दे नाल एक कंडीशन ला दी उस्तत करनी कि नहीं सावधान एकाग्र जीत एकाग्र चित होके सावधान होके कंसंट्रेशन दे नाल अटेंडिव होके जिन्नी देर किसी भी काम उत्ते तुहाडी कंसंट्रेशन नहीं बनती उन्नी देर वो काम विच मनुख सफल नहीं। बड़े प्यार ते एकाग्रता नाल तुसी बैठे हो आओ एक बार चित जोड़ के लाओ हाजरी दोवे हाथ जोड़ के गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी नूं सीस झुका के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी समुची मानवता वास्ते सांझा उपदेश है और समुची मानवता के कल्याण वास्ते रची गई। ये किसी एक खिते के लोगों वास्ते वर्ण जात जां मजहब के लोगों वास्ते नहीं। गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी मनुखता के भले वास्ते इस धरती उत्ते प्रगट हुई इसलिए महाराज जी बार बार कहेंगे ये किसी शरीर गुरु व्यक्ति की बाणी नहीं है ये तुरकी बाणी आई तिन सरली चिंतन आई है। ये बाणी वाह वाह बाणी निरंकार है इस जेवट अवर न होए। इस बाणी बारे सवाल किया भाई लालो जी ने महाराज ये जो तुसी कहते हो कि इमना बाद गर्भ हो जाएगा महाराज तुसी कह रहे हो ते धन गुरु नानक ते महाराज ने उदों वचन कहा कहिंदे भाई लालो ये मैं नहीं कह रहा इमना बाद थोड़े दिनों तक गर्भ होने वाला है पर ये गल मैं नहीं कह रहा इमना बाद थोड़े दिनों तक लुटिया जाएगा इमना बाद विच वड्डे वड्डे राजकुमार वड्डे वड्डे बादशाह भुखे मरनगे थोड़े दिनों तक के कमसान होने पर ये गल मैं नहीं कह रहा। भाई लालो आंदे महाराज तुसी ते कह रहे कहन लगे नहीं भाई लालो ये जो मैं कह रहा ये जैसी मैं आवे खसम की बाणी तैसा करेंगे आन बे लालो जो मैं खसम तो इलहाम हो रहा है जो मैं रब तो इलहाम हो रहा है मैं ते वो कह रहा रब का हुक्म है इस तरह मैं सिर्फ दसन वाला
कोई होर जगह है जितो ये सारे प्रोग्राम रिलेयर हो रहे मेरे ते राही प्रगट हो रहा है टेलीविजन राही जो प्रोग्राम देखते हो वो कितने होर जगह से रिलेयर हो तब गुरु नानक देव महाराज जी ने एक गल की संसार के लोगों ये जो मैं कह रहे हैं ये करते पुरख के परों हो रहे हैं इसलिए दुनिया में एक बहुत बड़ा भुलेखा पै गया असी अज की तरीक बाणियां वंडन लग पे आ गुरु साहबान की बाणी आ भगतान की बाणी जी आ फलाने की फिर अपने अपने कट साडे की बाणी ये दूजे की बाणी बहुत वड्डी गलती हुई सिख जगत को इस विषय उत्ते असीं सही संकेत नहीं दे सकते। देखो कोई भी प्रोग्राम कितों रिले हो रहा है किसी के घर में 40,000 रुपए का टेलीविजन लगा है ओदी एलसीडी विचों ओ दिसदा है किसी के घर 7,000 का टेलीविजन है ओदे विचों भी दिसदा है किसी के घर 70,000 की एलसीडी है ओदे विचों भी ओही ओ प्रोग्राम किसी के घर 7,000 का टीवी ओदे विच भी ओही ओ हुण माफ करियो टीवी छोटा वड्डा हो सकदा है टेलीविजन महंगा या सस्ता हो सकता है और ओदे राही दित्ता होया प्रोग्राम टेलीविजन का नहीं वो कितने होर जगह तुर ले गुरु ग्रंथ साहब की बाणी में शरीरों के नाम तुर सकते हैं कोई किसी जात का हो सकता है कोई किसी वर्ण का हो सकता है पर जिहड़ी बाणी इस धरती उत्ते उतर रही वो शरीरों की नहीं शरीरों राही प्रगट हो रही है असल में जो बाणी तुरकी बाणी है इसलिए गुरु ग्रंथ साहब की बाणी में साहब ने कहा हूं आपको बोल ना जानता मैं कह सब हुक्माओ जियो दुनिया के लोगों इस सिद्धि रब तो बाणी आ रही हूँ रब तो आई हुई बाणी उपदेश की दिखती है। मैं बड़े संकेत में अपना छोटा जहा सबजैक्ट रखना है जो साढ़े पकड़ में गल प्लीज आवाज नहीं आनी चाहिए जिन्हें शरीर बैठे हो किसी भी शरीर की आवाज नहीं आनी चाहिए जो मैं बोलने वास्ते कहंगा उदो तुसी बोलो और तुहानू बेनती है चुप का दान बख्शिश करो साडी सिख जगत की यह कमजोरी रही मैं लाइव टेलीविजन तो भी बेनती की असी गुरुद्वारे बनाने बड़ी बुरी तरह फेल जिहड़ी धर्मशाल गुरु नानक देव महाराज ने सानू बख्शिश की सी जिते भी महाराज जाते तीन या चार दिन पांच दिन रहिंदे और उत्थों जदों तुरन लगना ते पिंड वाले उस इलाके के लोगों कहना महाराज तुसी चले हो फिर पता नहीं कदों मिलाप होएगा कोई सानू उपदेश दिओ महाराज सानू कोई हुक्म करके जाओ ते सतगुरां की हुक्म करना एक अपने पिंड विच धर्मशाल बनाओ सांझी जगह सवेरे शाम उत्थे बैठिया करो सोधक आरती गावी है अमृत वेले जाप उजारा भाई गुरदास साहब कहते गुरु नानक साहब का हुक्म सी धर्मशाला बनाओ सवेरे शाम बह के अकाल पुरख का नाम सिमरिया करो सवेरे जपजी साहब शामी रहरास करिया करो यही कर्म तुहानू रब तक लै जाएगा और धर्मशाला का बदलिया हुआ रूप गुरद्वारा पर अफसोस सिख जगत ने गुरद्वारे बनाए गुरुद्वारे बनाने में बड़ी बुरी तरह फेल हो जिहो जिहा एटमोसफेयर सानू देना चाहिदा सी वो नहीं दे सके सिर्फ बिल्डिंगा बनिया ने गुरुद्वारा इस तरह का होना चाहिदा सी जिथे बैठे हुए लोग उन्हां दा पहरावा उन्हां दा खाना उन्हां दा बोलना उन्हां दा बहना सब कुछ दुनिया नालों अलग चाहिदा सी कोई भुलिया भटक गया संसारी कि संगत में आ जाए वो वेख के हैरान हो जाए मैं किसी होर दुनिया में आ गए संसारी बंदा भी कितने संगत में आ जाए वह भी चित जोड़ के वाहगुरु कहने को पिछे ना रह सके जबान तो भी देख के निकले सतनाम श्री वाह और हूं की होंगे लोगों का पहरावा असी सब कुछ गुरुद्वारों धर्मशाला संसारशाला ना इतने बोली बदली ना बहना उठना बदलिया ना लोगों का आना जाना बदलिया बस वही तरीका संसारी बंदा कहते तो मेरे वर्ग ही नहीं इतने उस तरह दलां गुरुद्वारे कर रहे हैं जो जी सतमिच हो रही ओयो गल ते गुरुद्वारे हो रही है जिहड़ी गल पिंड दीआं गलियां विच हो रही सी फर्क की है कुछ भी नहीं जिहड़ीआं गल्लां लोक घर विच करदे सन ओयो गुरुद्वारे हो रही ने फर्क नहीं आया इसलिए गुरुद्वारे बनाउण दे सिख जगत फेल होया हाँ यतन हो रहे कितने बन जाणगे
लोगों को सोझी आएगी कि यह बाणी रब के घरों आई है असी सुननी कि एक बार सारे आपको सतनाम श्री किसी की भी प्लीज मेरी हाथ जोड़ के बेनती आवाज नहीं होनी चाहिए जो आ रहे हैं उन्हें आपको जिथे जिथे जिस तरह की जगह मिलनी है उन्हें बह जाना आप नहीं जानकारी लै कि मैं बाणी किमें सुननी बाणी सुननी किमें यह गुरु को जानकारी लैनी पेगी ये नहीं कि एक पास टैलीविजन से रहस लगी है दूजे पासे घर के कामों में बच्चों नाल बात घट बोल रहे हो वह बाणी सुनी असर नहीं करेगी बाणी किमें सुननी ये गुरु को सिख धन गुरु नानक देव महाराज जो उदासी करद्या एक मंदिर गए उस मंदिर का नाम है ओंकार का मंदिर नर्मदा नदी के कंढे है उत्थे 40 साल तो एक पुजारी पूजा कर रहे हैं और उन्हें एक मूर्ति बनाई है उन्हें सवेरे दुध नाल इशनान करा के फल चढ़ा देना है मोरे पर्दा कीता है जदों कुछ लोग इकट्ठे होंगे पर्दा परे करके दर्शन कराउंदा है लोग फुल चढ़ाते हैं तो पैसे चढ़ाते हैं वो चुक लेते हैं लोगों के मन में आता है असीं रब के दर्शन कर लेंगे ओंकार के पुजारी का अपना गुजरान चलता है 40 साल तो चल रहा है अज गुरु नानक देव महाराज उस मंदिर में पहुंच गए और जो उस मंदिर में गए तो गुरु नानक देव महाराज भाई मरदाना जी उस पुजारी ने देखा तो उसकी नजर में आया कितनी देर से खड़े ने ये बंदे दर्शन करने अगे नहीं हो रहे दूजे नु कर रहे ने ते फिर पुजारी बाकियों दर्शन करा के पुछदा है तुसी भी दर्शन कर लेंगे ओंकार दे गुरु नानक देव महाराज मिठा जिहा मुस्कुरा के कहने पंडित जी दर्शन भी कर लांगे आपां विचार करनी है कोई उन्हें क्या दसो हुण आ गल ध्यान में रखियो तुहाडे काम आए जदों उस पंडित ने क्या दसो ਉਹਦੇ ਦੱਸੋ ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਅਹੰਕਾਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਦੱਸੋ ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ ਮੈਂ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਰਿਹਾ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ ਮੈਂ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਪੰਡਤ ਇਸ ਮੰਦਰ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਵਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਪੰਡਤ ਜੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ ਬੈਠੇ वो अंदरों हिल गया अलग बैठ के विचार और बड़ा हैरान है सब के बोल सुन के उन्हें अगली विचार कोई ना आई उन्हें कह जी फिर थोड़ी देर रुको जेडे लोग आए थे मैं उन्हें दर्शन करवा लो महाराज ने कहा कोई गल उन्हें पहले लोगों को मूर्ति के दर्शन करवाए माया सांभी फल सांभे फिर परम होके कहना जी दसो तब गुरु नानक देव महाराज उसनों जो वचन कहते हैं वह गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी के चाहे ने एक बाणी तुसी जिंदगी में जरूर विचार नाल पढ़नी बड़े सवालों का जवाब मिलेगा जिन्हें अध्यात्म में चक्के बदले महाराज जो उस मंदिर में जो वचन कहे वह बाणी का नाम ही रखा दखनी ओंकार रामकली दखन चारी ओंकार के मंदिर में खड़ के कही इसलिए उस बाणी का नाम आ गया रामकली दखनी ओंकार गुरु ग्रंथ साहब जी के अंग 929 उत्ते पाठ शुरू है और पूरी बाणी में उस पूरे पाठ में एको ही रहाउ दी पंक्ति जो महाराज ने पहला बहनिया सारो उस पंडित ने कही वह कहूंगा जी दसो की विचार करनी ते हजूर ने मिठी आवाज में कहा सुन पांडे क्या लिखो जिन अल्लाह लिख राम नाम गुरमुख गोपाल वो हैरान होकर पूछ रहे तुसी कहना की चाहते हो सहब ने कहा जंजाला का अर्थ है पुआड़े विद्वाना ने अर्थ किया पुआड़े भाव वो गलत कर्म जिदे नाल लोग खुआर होंगे सहब ने कहा पंडित जी तुसी लोगों नूं खुआर कर रहे हो जो कर्म तुसी कर रहे हो इस काम विच अंत नूं तुसी भी डुब जाओगे और जिहड़े लोग तुहाडे मगर लग के मत्था टेकण आउंदे ने भी डुब जाणगे उहदा चेहरा उतर गया
पंडित जी सचो सच दसो 40 साल तो तू इस मंदिर का पुजारी है, 40 साल तो मूर्ति नूं फुल चढ़ा रहे हैं, तैनू भगवान के दर्शन नहीं हुए? एक कोरा झूठ है, क्योंकि रब मूर्तियां विचों सीधा नहीं दिसदा। वो सुन बैठा सी सच मोरे संसार सुन हो जाए। गुरु नानक देव महाराज ने कहा पंडित जी ये सब कुछ जंजाल है, एक दिन तुसी भी जन्म मरण विच डुब जाओगे, ये विचारे भी डुब जाणगे, क्यों धोखा दिंदे हो? तुहानू रब इस मूर्ति विच